अगर आपका अपर बॉडी के ऊपर फैट ज्यादा है, यानी ब्रेस्ट फैट भी ज्यादा है, आर्म फैट ज्यादा है, और आप रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ 5 एक्सरसाइज रोज करना शुरू कर दीजिए जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर देखिए कितनी जल्दी से आपकी अपर बॉडी टोन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। यूट्यूब के साथ ही अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हैं तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप फायदा उठा सकते हैं अदर एक्सरसाइज का जो कि आपके बॉडी पेन से रिलेटेड है या अदर प्रॉब्लम से रिलेटेड है। चलिए आज की एक्सरसाइज देखते हैं कि अपर बॉडी के ऊपर जो फैट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए कम से कम एक्सरसाइज और कम से कम टाइम में कैसे आप कर सकते, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप इस तरीके से आराम से बैठ जाएंगे, मन एकदम शांत कर लेंगे, कोई स्ट्रेस, कोई उलझन, कोई विचार ऐसा जो कि नेगेटिविटी आपके अंदर लाती है उसको निकाल देंगे और एकदम प्रसन्न मन से, खुश मन से आप बैठ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से उठाना है और नीचे ले जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सरसाइज करेंगे हम, क्योंकि इससे हमारी जो आर्म है वो वार्म अप भी हो जाएगी, बॉडी पूरी वार्म अप हो जाएगी और हम एक्सरसाइज में अपनी बॉडी को इन्वॉल्व कर सकें। जैसे इधर उधर बाहर की दुनिया में हमारा मन रहता है, कई बार हम चिंता में होते हैं, कई बार गुस्से में होते हैं, तो उससे हटाने के लिए सबसे पहले जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज वहां से शुरुआत करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से हाथों को जोड़ना है और फिर ऐसे ले जाना है, फिर घुमाते हुए ऐसे लाना है, हाथों को जोड़ना है, फिर ऐसे जाना है और फिर वापस आना है। कम से कम 10 से 20 रेपिटेशन आप जरूर करें। अगर थक जाते हैं तो 10 रेपिटेशन के बाद रेस्ट कर लें, अगर नहीं थक रहे हैं तो 20 रेपिटेशन करें। इस तरीके से नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोनों हाथों को साइड में रखेंगे ऐसे। अब आपको ऐसा करना है कि जैसे आप दौड़ लगा रहे हैं बैठे बैठे, कैसे करना है इस तरीके से। आप चेक करेंगे कि आपके छाती के मसल्स भी और आपकी आर्म के मसल्स भी सब यूज हो रहे हैं। और ध्यान से ऐसे ऐसे नहीं करना है, पूरा आपको अपना जो अपर बॉडी का हिस्सा है उसको इन्वॉल्व करना है एक्सरसाइज में इस तरीके से, ऐसे अच्छे से एक्सरसाइज करने जैसे आप बैठे बैठे दौड़ लगा रहे हैं इस तरीके से कम 30 सेकंड के लिए कंटिन्यू करते रहिए। रात को सोने से पहले भी आप कर सकते हैं अगर आपको दिन में समय नहीं मिलता, और जब भी आपको समय मिले तब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से रखना है अपने हाथों को और फिर ऐसे करना है, ऐसे 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 ऐसे। थर्टी सेकेंड के लिए कंटिन्यू करें या फिर 10 से 20 रेपिटेशन जरूर करें। लास्ट एक्सरसाइज करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में आपको हाथों को ऐसे रखना है, हथेली आपके ऊपर रहेंगी और इस तरीके से सर्कल बनाना है, ऐसे अपनी पूरी बाजुओं से सर्कल बनाना है ऐसे। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे पूरी आपकी जो छाती के मसल्स है वो भी इन्वॉल्व करने हैं आपने इस तरीके से ऐसे। तब आप देखेंगे जब आप ऐसे रोटेट कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कितनी आपकी आर्म भी थक जाती है और कितने अच्छे से आपके सारे मसल्स यूज होते हैं। अब अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वाओ। अब लास्ट में जो स्ट्रेचिंग करनी है आर्म की, जब हमारी आर्म थक जाती है तो वो कैसे करनी है वो ध्यान से देख लीजिए।
सबसे पहले हाथों को ऐसे रखेंगे, ऐसे आगे पीछे ऐसे कर लेंगे, ताकि आपकी जो आर्म थक गई है तो उनको रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरीके से मुट्ठी बंद करके घुमा लेंगे। अब आपको पीछे की तरफ ऐसे दोनों एल्बोज को आपस में पकड़ लेना है और इस तरीके से एक हाथ से अपनी एक एल्बो खींचेंगे ऐसे, पहले एक साइड में ऐसे कुछ देर के लिए स्ट्रेच करके रखेंगे और फिर दूसरी साइड में। और जो नेक्स्ट स्ट्रेच है, लास्ट स्ट्रेच जो है, उसमें आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे। पीछे की तरफ आपकी जो एल्बो है उन्हें पुश करना है, ऐसे करना है। ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप आगे नहीं लाना चाहते, ऐसे भी कर सकते हैं पीछे वॉक, तो बहुत अच्छा रिलैक्स फील करेंगे, आपको मजा आ जाएगा एक्सरसाइज करने में। और जब फैट रिमूव करेंगे आसानी से, उसकी तो बात ही अलग होगी, आपको बहुत खुशी होगी जब जल्दी से जल्दी आप फैट बर्न कर रहे होंगे इन एक्सरसाइज को करके। तो आज इतना ही, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो कलेक्शन जरूर करना, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।